बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जन समर्थन, अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, इन जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा, ट्राइबल और एग्जिट हो गया मेरे साथ। मैंने 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है, उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पर विवश है कि देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं, शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है इरफान अंसारी के पहुँच जाते हैं। वो हमारे पार्टी उनका घोर निंदा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम निंदा करना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को कि अपना भाभी का ऊपर इतना अभद्र सब व्यवहार करने का बाद भी उन्होंने इरफान अंसारी का खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं लिया। मुख्यमंत्री सोरेन जी के लिए आदिवासी अस्मिता के कोई वैल्यू नहीं है। शिवो सोरेन जी का गुरु जी का बहू का अपमान होते हैं और हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोलते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी दोनों को मैं निंदा करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आदिवासी जनता चुनाव का माध्यम से दोनों को सबक सिखाएगा। बंद कीजिए ये सब, हम फिर से मैं कह रहा हूं, मुद्दी पे आइए, कल आपका नामांकन है, आपको बधाई हो, बढ़िया से लड़िए, मजबूती से लड़िए। और आप जो कर रही हैं, हमको रविंद्र बाबू जो नाला के विधायक पहले बता दिए थे, आगाह कर दिए थे कि ऐसा करेगी, हंसते फंदे को मेरे बेटा को नहीं छोड़ी थी, जो 19 साल का लड़का है उसको नहीं छोड़ी, तो उसको क्या छोड़ेगी। लेकिन चलिए भाभी, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैंने आपको नहीं कहा है कुछ, आप वीडियो देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा बोला होगा इरफान, ऐसा सोचा होगा इरफान, ऐसा हो सकता है सपना में देखा होगा इरफान, तो मैं माफी मांगता हूँ। कांग्रेस ने देखिए जो गलत है गलत है, और मैंने ये भी कहा है कि मैंने मानहानि का दावा किया है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए जो लाछन आपने लगा दिया, दुनिया को क्या मालूम है, जामताल को मालूम है ना मैं क्या हूँ, लेकिन जामताल में ये चीज नहीं चला, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है न्यूज, पूरे वर्ल्ड में जान गया कि इरफान अंसारी ने ये बातें कहा होगा। तो हमारे पास तंत्र नहीं, भाजपा के पास तंत्र है, लेकिन चलिए आपने देश में इरफान अंसारी की छवि खराब कर दिया, यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते है ना, लेकिन मैंने चैलेंज किया है, कोर्ट में मामला है, आप बढ़िया से देख लीजिए, अगर वीडियो में मैंने कहा होगा आपको तो मैं आज मैं कहता हूं कि मैं इस्तीफा छोड़कर फांसी लगा। फोकस।